हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल लॉक्स के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फ्रेम है, ये वॉल मिक्सचर का फ्रेम है। हम लोग के घर में जो मिक्सचर नल लगा हुआ होता है उसका फ्रेम है। इस फ्रेम को देने से ये फायदा है कि दीवार के अंदर आप जब प्लम्बर से पॉइंट बनवाते हैं, ये ठंडा, ये गर्म और ये स्पिन, ये हमारा होता है शावर का, और बीच में यहाँ पे नॉब लगा रहता है नल का। तो ये बहुत बार क्या होता है, राजमिस्त्री से प्लास्टर कराते समय ये पॉइंट कभी कभी ऊपर नीचे हिल जाता है, खास करके ये लोहे वाली फिटिंग्स में हिल जाता है। सीपीवीसी वाली प्लास्टिक फिटिंग्स में तो ये हिलता नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जब भी आप सीपीवीसी की फिटिंग करवाएं, अपने बाथरूम में मिक्सचर नल लगवाएं, तो इस तरह का फ्रेम आप जरूर लगवाएं, ताकि आपके जो नल में जो एल्बो वगैरह लगाया जा रहा है और जब बाद में उसमें मिक्सचर नल लगाया जाएगा, तो आपको लगाने में उसकी अलाइनमेंट इश्यूज ना हो। इधर उधर आपका एल्बो इधर उधर हिल जाने से, पोजीशन ऊपर नीचे हो जाने से सामने सामने पॉइंट्स नहीं आ पाता है। तो इसीलिए ये वॉल मिक्सचर का ये फ्रेम आता है, सीपीवीसी का वॉल मिक्सचर फ्रेम आता है। ये 150 रुपये में आपको मिल जाता है एक पीस। मैंने 3 लाया है ताकि हमारा जो भी पॉइंट प्लम्बर बना रहा है वो हिले नहीं। ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपका प्लम्बर थोड़ा सा समझदार किस्म का है तो वो क्या होगा, बाथरूम में पॉइंट्स बनाते समय ही थोड़ा सा सीमेंट लगा के आपके पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को जाम कर देगा बीच में से, ताकि ये दोनों पॉइंट आपस में सरक के इधर उधर हिले नहीं, जाए नहीं। और एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, सीपीवीसी का ये सॉल्वेंट सीमेंट है, होल्ड टाइट कंपनी का आता है। देखिए 100 ml 200 रुपये का है। और एक आता है आशीर्वाद कंपनी का, येलो कलर का सीपीवीसी सॉल्वेंट। ये सीपीवीसी पाइप्स को चिपकाने के लिए होता है। 118 ml है इसमें, और ये थोड़ा गाढ़ा होता है, और इसका प्राइस भी देखिए ज़्यादा होता है। देखिए इसमें 262 रुपये लिखा हुआ है 118 ml का, और ये होल्ड टाइट कंपनी का है सीपीवीसी सॉल्वेंट। ये 200 रुपये में आपको मिलता है 100 ml। दोनों पीडी लाइट ही बनाती है, लेकिन ये जो सॉल्वेंट सीमेंट होता है आशीर्वाद कंपनी का, ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है सीपीवीसी पाइप्स को चिपकाने के लिए। और ये थोड़ा सा होल टाइप का थोड़ा सस्ता है। ये थोड़ा सा लिक्विडी ज्यादा होगा, मतलब कि ये थोड़ा पतला होगा, ये थोड़ा गाढ़ा होगा। दोनों ऐसे सीपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट ही है, दोनों सेम ही चीज है। और एक देखिए यूपीवीसी का भी आता है सॉल्वेंट सीमेंट, एमसील का यूपीवीसी। यूपीवीसी फिटिंग्स के लिए आप 150 रुपये में 100 ml आपको मिलता है। ब्लू कलर का इसमें लिक्विड होता है, तो यूपीवीसी का सॉल्वेंट सीमेंट अलग आता है, और सीपीवीसी का आशीर्वाद का और होल्ड टाइट का आता है, और एमसील का भी आता है। सो ये चीज ध्यान रखें, इस पॉइंट को सही से अलाइन करने के लिए होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये जो नल है हमारा, इसमें लोहे की फिटिंग्स अंदर में लगी है। तो ये जो पॉइंट होता है मिक्सचर नल का, ये गर्म, ये ठंडा, और ये शावर का, और बीच में ये कंट्रोलर है इसका। तो बहुत बार क्या होता है, ये जो देख रहे हैं आप थोड़ा सा तिरछा जैसा, देखिए ये जो चीज थोड़े से तिरछा, इसको जबरदस्ती यहाँ पे कसा गया है, क्योंकि राजमिस्त्री से जब प्लम्बर काम करके चला गया, तो राजमिस्त्री से दीवार में जो पाइप्स लगाई गई है उसका पोजीशन थोड़ा सा हिल गया था। हिल जाने की वजह से ये जब मिक्सचर नल हम लोग खरीद के लाए, तो ये आपस में आमने सामने इसका पॉइंट नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल से, देख लीजिए, बहुत मुश्किल से मिला के हम लोग इसको बहुत मेहनत से टाइट किए हैं। ऐसा पानी भी हमेशा चूता है, और आपका वॉशर भी जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। अगर ये वाला फ्रेम आप नहीं लगवाते हैं, जो प्लास्टिक आपको मैंने वीडियो में दिखाया, 150 रुपये का ये फ्रेम आता है, तो आपका अलाइनमेंट बिगड़ने का इश्यूज आते रहे। देखिए यही फ्रेम होता है जो प्लम्बर्स थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, लेकिन हमारे प्लम्बर थोड़े से, अगर आपके प्लम्बर थोड़े से तेज तरार होंगे तो क्या करेंगे, इस फ्रेम के बिना भी ये फ्रेम 150 रुपये का मार्केट में मिलता है। ये ऐसे लग जाता है दीवार में इस तरह से, ताकि आपके वॉल मिक्सचर का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा हो, और आपका जो एल्बो वगैरह यहाँ पे लगाया गया है वो घसक के इधर उधर ना चला जाए, कि बाद में आपको पॉइंट टू पॉइंट कसने में प्रॉब्लम हो जाए मिक्सचर नल। इस तरह का फ्रेम लगा सकते हैं, लेकिन आपका प्लम्बर अगर स्मार्ट है थोड़ा, इस फ्रेम को आप नहीं भी खरीदेंगे तो आपका काम चल जाएगा, अंटिल एंड अनलेस की आपका प्लम्बर जो पॉइंट बना रहा है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को अच्छे से जानता हो, और यहाँ के भी डिस्टेंस को अच्छे से वो जानता हो, तभी वो एक्सपर्ट प्लम्बर से आप काम करवाएं। तो वो क्या करेगा, इस फ्रेम के बिना भी वो पाइप को जाम कर देगा, थोड़ा सा मसाला लगाने के बाद अंदर में वो दीवार को जाम कर देगा, ताकि वो पॉइंट सड़क के इधर उधर ना घसके। मैं आपको ऊपर लेकर दिखाता हूँ आपको चलते। देखिए इस पॉइंट का ही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बाथरूम में देखिए इस तरह से पॉइंट्स बनाए गए हैं। देखिए ये बिना फ्रेम का ही लगाया गया है, ये देखिए। अब बहुत बार क्या होता है, जीआई फिटिंग्स में जो लोहे की फिटिंग करवाते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है, ये वाला जो फ्रेम होता है यहाँ पर हम लोग नहीं देते हैं। देखिए ये फ्रेम जो होता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिला देता है। देखिए थोड़ा सा भी अलाइनमेंट मिसमैच होगा तो आपको लगाने में ये फ्रेम जो होता है दिक्कत होगा। देखिए इस फ्रेम के रहने से क्या होता है, कि हमारा जो ये जो पॉइंट होता है, इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो एकदम लॉक रहता है। डिस्टेंस मतलब इधर उधर ये पॉइंट्स हिलता नहीं है इस फ्रेम को लगा देने से। देखिए इस फ्रेम को अगर हम दीवार में पहले लगा दें, देखिए ऐसे लगा दें, तो थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा नहीं। देखिए जैसे इस पॉइंट में हल्का सा पाइप जो है उधर भाग गया है, देखिए
इसमें भी देखिए अगर ये पॉइंट पूरा एकदम सही रहेगा, पॉइंट इधर उधर आपका भागेगा नहीं, जैसे देखिए इसमें इधर भागा हुआ है पॉइंट, इसमें ये भागा हुआ है, तो क्या होगा जब आप मिक्सचर नल खरीद के लाइएगा 1800, 2200, 2500, 2800 तक में भी मिल जाता है जगुआर का, बढ़िया आता है। पैरीवेयर का भी बहुत बढ़िया मिलता है, और एक सिंगरूरा नाम की कंपनी होती है उसका भी बहुत अच्छा मिलता है। एशियन पेंट्स कंपनी का SLR मॉडल आता है, वो भी बहुत बेहतरीन मिक्सचर नल होता है, एक बजट में करीबन आपको 2500 से 2800 के बीच में एक वॉल मिक्सचर नल मिल जाएगा, जिसमें गर्म पानी का, गर्म पानी गीजर ये शावर और ये ठंडा पानी, इसमें ठंडा आता है, इसमें गर्म, और इसमें आपका झरना वगैरह कंट्रोल होता है। ये जो दो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये आपका गर्म पानी के लिए गीजर लगाने वाला पॉइंट है, एक से ठंडा जाएगा एक से गर्म, सो ये पॉइंट लगाने से यही फायदा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा भी अलाइनमेंट अगर मिसमैच है, मैं क्या प्लम्बर की गलती की वजह से ये जो पॉइंट होता है, कभी कभी क्या होता है मसाला वगैरह भरने में, जैसे हम लोग का प्लम्बर थोड़ा सा होशियार था तो उसने क्या किया, साइड पे सही थोड़ा सा मसाला लिया और इस पॉइंट को जाम कर दिया। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जाम अच्छे से कर दिया गया है। वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे चैनल लास्ट टेक्निकल ब्लॉग्स को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोज बनाने का। और देखिए इसमें आशीर्वाद का ही पाइप डाला हुआ है, आशीर्वाद का CPVC पाइप की फिटिंग की गई है इसमें, आशीर्वाद का सबसे A1 क्वालिटी का हैवी गेज का आता है। आपको और भी कंपनीज का मिलता है लेकिन उतना वो बढ़िया नहीं होता है, आशीर्वाद कंपनी का बहुत अच्छा होता है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है आशीर्वाद का, लेकिन आशीर्वाद का क्वालिटी मैंने देखा है काफी बेहतरीन होता है, थोड़ा महंगा भी होता है आशीर्वाद का और सब ब्रांड से, जैसे सुप्रीम का भी आता है, प्रिंस का भी आता है, लेकिन वो सब थोड़ी सी इसके सामने थोड़ी सी उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम ही रहती है। आशीर्वाद कंपनी का जो है वो पाइप्स थोड़ा मजबूत और बढ़िया क्वालिटी का आता है, उसका जो सॉल्वेंट सीमेंट आता है आशीर्वाद का वो भी थोड़ा महंगा आता है, बढ़िया आता है क्वालिटी का। तो आप प्लम्बिंग का अगर काम बाथरूम वगैरह में करवा रहे हैं तो आप सस्ता महंगा ना देखें, क्योंकि ये 10-20 साल की ये होती है, 10-20 साल चलाना होता है कम से कम, तो आप बढ़िया सामान ही लगवाइए। जैसे कि ये देखिए गोंद लगाया गया है, अभी दीवार के अंदर चला जाएगा, सस्ता वाला गोंद होगा तो आपका क्या होगा, बाद में दीवार के अंदर से ये गोंद वगैरह निकल जाएगा पुराना होने के बाद, तो यहाँ से पानी लीक कर सकता है, यहाँ से पानी लीक कर सकता है, खास करके पानी वहाँ ज़्यादा लीक होगा जहाँ पे आप प्रेशर पंप इस लाइन में लगवा दिए हैं, कंसील्ड सिस्टम आप लगवाए हैं, वॉल मिक्सचर वाला नहीं सिस्टम लगा हुआ है, कंसील्ड सिस्टम लगा हुआ है, तो कंसील सिस्टम में आपका पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है, वो फिटिंग महंगी भी आती है, मेंटेनेंस भी आपको प्लम्बर से ही बार बार बुला के करवाना होगा। और इस तरह का जो सेटिंग होता है मिक्सचर नल लगाने वाला, इसमें आप सिंगरूरा कंपनी का मिक्सचर नल ले लीजिए, उसका स्पिंडल वगैरह भी बहुत आसानी से मिल जाता है, पैरीवेयर का भी बहुत आसानी से स्पिंडल मिल जाता है, जो गर्म पानी ठंडा पानी का अंदर में स्पिंडल खराब होने से पानी टपकने लगता है पुराना होने पर, 10 साल बाद या 5 साल बाद पुराना होने पर। पैरीवेयर, सिंगरूरा और एशियन पेंट्स इसका सबसे बढ़िया होता है। एक लोकल भी आता है नल, मिक्सचर नल, वो सब मत लीजिएगा, उसके साथ क्या होता है उसका स्पिंडल वगैरह 5 साल बाद उसको खोजिएगा तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो आपको स्पिंडल निकाल के सैंपल में मैचिंग वगैरह करा के लेना पड़ सकता है। सो ये देख लीजिए इस तरह से इस बाथरूम की फिटिंग्स की गई हैं, ध्यान से देख लीजिए, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। ये फ्रेम को आप जरूर से जरूर खरीदिए, या एक फिटिंग और आती है जिसमें एल्बो इसके जो पीछे में लगा हुआ है उसके साथ में ही फ्रेम जुड़ा हुआ रहता है, वो फिटिंग थोड़ी सी महंगी आती है CPVC में ही, तो आप वो भी ले सकते हैं, या अलग अलग ऐसा पॉइंट बनवाने के बाद ये फ्रेम भी आप लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल अलाइन रहे, पोजीशन में बिल्कुल अलाइन रहे। अगर इधर उधर थोड़ा सा भी ये पॉइंट हुआ तो बाद में आपको और आपके प्लम्बर को बहुत परेशानी हो जाएगी मिक्सचर नल लगवाने में, जो कि गर्म ठंडा पानी देने वाला जो नल होता है, तीनों एक ही में जुड़ा हुआ आता है सेट, वो चीज़ का बात कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल लास्ट टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से वीडियोज़ देखने का टेक्निकल, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।